हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल, जहां हम सबसे आसान भाषा में बात करते हैं जीएसटी के सभी कॉन्सेप्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स की, जिससे टैक्स पेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के डाउट्स हो जाते हैं चुटकी में सॉल्व। तो आज बात एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट की, वैसे तो एक कॉन्सेप्ट नहीं, इसे वकालत कह सकते हैं, पर जो भी हो ये टॉपिक हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि फेक इनवॉइसेस की समस्या इतनी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट सभी ट्रांजैक्टिंग पार्टीज के लिए अब नोटिस निकालनी पड़ रही है, और फिर नोटिस आती है तो आपको तो पता ही है। तो इसी मामले को सुलझाने के लिए आज हम नज़दीकी से देखेंगे हाउ टू हैंडल नोटिसेस फॉर फेक इनवॉइसेस इन जीएसटी। बस आगे बढ़ने से पहले राइट का मुड़ो और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, ताकि अगला वीडियो पब्लिश होने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें किस रास्ते से गुजरना है। तो मंजिल आसान होने के लिए सबसे पहले आपको फेक इनवॉइसेस की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, फिर फेक इनवॉइस बनाने के इरादे यानी कि मोटिव्स समझ लेंगे, ताकि आप भी यह नहीं कर सको, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में हो जाता है। पर दोस्तों, गवर्नमेंट को पता चलता है कि यह अनजाने में हुआ है या जानबूझकर, क्योंकि आखिर लॉस तो उनका ही हुआ है, और जब लॉस होता है तो डिमांड और पेनल्टी लगनी है। तो इसलिए डिमांड और पेनल्टी की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, जिसे देखकर आपको इस गलती का नतीजा समझ में आएगा। और फिर इतना सब समझने के बाद भी अगर कोई नोटिस आती है तो देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू हैंडल नोटिसेस फॉर फेक इनवॉइसेस इन जीएसटी, जो इस टॉपिक का फाइनल कंक्लूजन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द फेक इनवॉइसेस। तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017, फेक इनवॉइसेस की ऐसी कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है, परंतु दो सिचुएशन के बेसिस पर उसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के बिना ही किसी एंटिटी ने इनवॉइस इशू किया है तो वो जीएसटी रेजिम में फेक इनवॉइस माना जाएगा। और सेकेंड, विदाउट टैक्स पेमेंट भी अगर किसी ने इनवॉइस इशू किया है तो वो भी फेक इनवॉइस माना जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर ना? तो चलो, ये करने के पीछे एक्चुअल मोटिव क्या होता है वो समझ लेते हैं। बेसिक तो हम सब जानते हैं कि इससे फ्रॉडुलेंट आईटी से अवेल कर सकते हैं, पर इससे भी ज़्यादा उसका मिसयूज होता है दोस्तों, जैसे कि टैक्सेबल आउटपुट सप्लाईज पर जीएसटी इवेजन करना, अतिरिक्त आईटीसी को कैश में ट्रांसफर करना, टर्नओवर इन्फ्लेशन करना, फेक इनवॉइसेस बुक करके इनकम टैक्स बेनिफिट्स लेना, कैश जनरेशन या कंपनी फंड्स का डाइवर्जन करना, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ मोटिव से भी कुछ एंटिटीज फेक इनवॉइस इशू कर जाते हैं और आखिर फंस जाते हैं। और अगर फंस जाते हैं तो डिमांड और पेनल्टी फिक्स है। तो दोस्तों, ये लिटिगेशन हैंडलिंग देखने से पहले पेनल्टी और डिमांड की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किसे पेनल्टी एप्लीकेबल है और किसे डिमांड प्रोसीडिंग। तो अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट 2017, फेक इनवॉइस इश्यूअर पर सिर्फ पेनल्टी एप्लीकेबल होगी और उससे कोई टैक्स डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ इनवॉइस इश्यू का काम किया है और एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई नहीं किया है। तो सीजीएसटी एक्ट में जो भी पेनल्टी नॉन कॉम्प्लाइंस के वक्त प्रिस्क्राइब होगी, 10,000 और जो भी, वो इम्पोज हो जाएगी, पर जो इनवॉइस का रिसीवर है उसे दुगना लॉस हो जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के उल्लंघन के चलते अगर कोई बायर फेक इनवॉइस की हेल्प से आईटीसी अवेल करता है तो उस पर डिमांड प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ में पेनल्टी का भी सामना करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में जो भी कोई थर्ड पर्सन इस ट्रांजैक्शन में शामिल होगा तो उसे भी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, और कभी कभी तो टैक्स इवेजन के 100% तक उसे पेनल्टी एप्लीकेबल हो सकती है। तो भाई सिंपल है, दोनों के मैटर से दूर रह जाओ। तो दोस्तों, आप भी ऐसे केस में फंस गए हो और डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ गई है तो डोंट वरी, आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं जिसे आपके इन सभी मैटर्स को सॉर्ट आउट करना हो जाएगा एकदम आसान। तो सबसे पहले तो आपको उस शो कॉज नोटिस का बारीकी से स्टडी करना है। जैसे कि जाहिर है आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे, तो सबसे पहले आपको वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ढूंढ लेना है, एक्चुअली यही सबसे मुश्किल टास्क है। फिर आपको स्पेसिफाइड एलिगेशंस को स्टडी करना है और साथ में उसी एलिगेशंस के रिगार्डिंग कितनी टैक्स डिमांड, इंटरेस्ट और पेनल्टी की मांगे है ये भी एनालाइज करना है, जिससे आपको एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी, वरना कभी कभी ये फिगर भी गलत हो सकती है और आप बिना देखे डिमांड पूरी करके खुद का लॉस करवा सकते हो। फिर दोस्तों, अगर आपको एलिगेशंस एक्सेप्टेबल है और डिमांड इंटरेस्ट या पेनल्टी पेएबल है तो आपको जितनी जल्दी हो सके अमाउंट पेड करके मैटर क्लियर करना है। परंतु दोस्तों, सभी एंटिटीज गलत काम नहीं करते हैं, कुछ लोगों को गलती से नोटिस भी आती है और आपको एलिगेशंस बेसलेस लगते हैं। तो इस केस में क्या करना है? तो इसका आसान जवाब है जीएसटी हीरो लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो देता है आपके सभी नोटिसेस को एकदम एक्यूरेट और ऑटोमेटिक काउंटर रिप्लाई, और आपके लिटिगेशन को बनाता है एकदम लीगल।
तो ऐसे शुभ कामों के लिए देर किस बात की, जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी और आप बनोगे एकदम 100% टेंशन फ्री। तो चलिए दोस्तों, रुकने का वक्त आ गया। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही कुछ खास कॉन्टेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपना, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए और बाकी जिम्मेदारी GST हीरो पर छोड़ दीजिए।